आँख खुली तो खुद को मुंबई की झोपड़पट्टी में पाया, जहाँ पर रोटी कपड़ा मकान के लिए संघर्ष करना पड़ता है। रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में पढ़ाई का साथ छूट जाता है। ऐसा दिन प्रतिदिन हजारों बच्चों के साथ में होता है, पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं। जो बच्चे दिन भर काम करते हैं उनको पढ़ाई करने के लिए समय नहीं मिलता है, इसीलिए उनके लिए नाइट स्कूल होता है, ताकि वो अपनी आधी अधूरी पढ़ाई पूरी कर सके। दिन में मैं डेकोरेटर का जॉब करता हूँ, डेकोरेटर का काम करता हूँ, और उसके बाद मैं डेकोरेटर से मैं मतलब 5:30 बजे उधर से मेरा काम खत्म करके मैं स्कूल आता हूँ। तो आप पढ़ाई करके क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? मैं मतलब पढ़ाई करके मुझे अच्छा जॉब चाहिए आगे, मम्मी पापा को संभालना आगे, अच्छा जॉब, अपना खुद का घर लेना है मुझे, इसलिए मैं पढ़ाई करता हूँ अभी। मेरा पढ़ाई करना मतलब एक ज़रूरत है मेरी। हमारे सब जो टीचर हैं वो बच्चों को अच्छे स्कूल के जो उनमें गुण है वो गुण भी हम यहाँ विकसित करने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ डे स्कूल के जैसे ही यहाँ हर एक कार्यक्रम भी हम यहाँ आयोजित करते हैं, यहाँ अलग अलग उपक्रम भी हम लोग करते हैं। हमारा जो स्कूल है यहाँ 8 से 10 तक है, तो 8, 9, 10 के बच्चे यहाँ पर आते हैं। तो आप पढ़ाई करके क्या करना चाहते हो, आपका सपना क्या है, ड्रीम क्या है आपका? पहले तो मतलब अच्छा पढ़ाई करके मतलब 10वीं के बाद 12वीं करना चाहता हूँ, ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ, उसके बाद कोई तो अच्छा जॉब ढूंढना चाहता हूँ। जैसे दिन की स्कूल में शालेय पोषण आहार चलता है, वैसे अगर रात्रि स्कूलों में भी बच्चों को यह आहार दिया जाए तो उनका आकर्षण बढ़ेगा। दिन भर बेचारे काम करते हैं, थक जाते हैं, थोड़ी बहुत खान पान सेवा अगर उपलब्ध हो सकती है सरकार की ओर से तो वे पढ़ाई में दिलचस्पी रख सकते हैं। जो जो एरिया में लाइट का प्रॉब्लम है उधर इन्वर्टर होना जरूरी है। बच्चों का लिए टॉयलेट बाथरूम साफ़ सुथरा होना जरूरी है, उनको पीने का पानी भी होना जरूरी है। और म्यूनसिपल स्कूल में जैसे बच्चों को मुफ्त में किताबें या बैग्स या जो जो भी चीज़ें दी जाती है वो नाइट स्कूल के बच्चों को भी होनी जरूरी है। मुंबई से अमोल लाल जरे, इंडिया अनहर्ड के लिए।